क्या आपकी भी बैलेंसिंग पुअर है? डू यू नो कि हमारे बॉडी का पावर हाउस क्या है? हेलो एवरीवन, दिस इज ड्रीम फिट 2020, वेलकम बैक। यस, मेरी बातें आई एम श्योर आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं वो है कि क्यों हमारी बैलेंसिंग, स्टैंडिंग पोजीशन हमारी पुअर रहती है, हम बैलेंस प्रॉपर नहीं कर पाते अपनी बॉडी को, और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है जो हमारा बैलेंस, स्टेबिलिटी, पोजीशनिंग इतनी पुअर रहती है। यस, पावर हाउस की बात कर रही थी। डू यू नो कोर इज द पावर हाउस ऑफ योर बॉडी? कोर, यस, कोर स्ट्रेंथनिंग। व्हाई? मैं मोस्ट ऑफ द अपने वर्कआउट में हमेशा बोलती हूँ कि कोर को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपका कोर स्ट्रांग है, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग है, आप ये आपके बॉडी का बैलेंसिंग, आपका स्टैंडिंग पोजिशन, आपका स्टेबिलाइजेशन, कंप्लीट बॉडी का बैलेंस और उसका पॉस्चर, आप सिर्फ एक कोर को स्ट्रेंथन करके आप इस पे काबू पा सकते हो और इसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। तो आज का जो वर्कआउट है, हाउ टू इम्प्रूव योर बैलेंस, फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन अवर कोर। तो आज मैं कोर के कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस लेकर के आई हूं जिससे आपका बैलेंस तो इम्प्रूव होगा ही, आपकी बॉडी, आपका कोर स्ट्रेंथनिंग होगी, आपका लोअर बैक वो स्ट्रेंथन होगा, आपकी स्टेबिलिटी, आपका स्टेबलाइजेशन कंप्लीट बॉडी का आप सिक्योर कर सकते हो। सो हियर वी गो, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू वर्कआउट जो है हाउ टू इम्प्रूव योर बैलेंस। सो हियर वी गो, आज हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे जो आपकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके बैलेंस को इम्प्रूव करेगा और आपकी कोर को स्ट्रेंथन करेगा। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस आज हमारे कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है, जिससे हम अपने लोअर बैक को स्ट्रेंथन कर सके और अपनी बैलेंस को, स्टैंडिंग बैलेंस, सिटिंग बैलेंस को इम्प्रूव कर सके। सो हियर वी गो, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए हमें चेयर की जरूरत है। फर्स्ट एक्सरसाइज है चेयर सेट्स। सी, इट्स वेरी नॉर्मल, चेयर पे जब हम बैठते हैं तो हमें उसके लिए भी बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बिना सपोर्ट के ना उठते हैं, बिना सपोर्ट के ना बैठते हैं। ओके, तो यहां हमको देखना है चेयर सेट। वी हैव टू परफॉर्म 10 काउंट। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो है चेयर सेट। यस, अरेंज योर चेयर प्रॉपरली। इज इट विजिबल? यस। फर्स्ट एक्सरसाइज चेयर सेट। ओके, यहां पर जब आपको बैठना है तो ना आपको हाथ टच करना है चेयर पे, ना चेयर का सपोर्ट लेना है अपने बॉडी सपोर्ट से। यू हैव टू स्टैंड, देन यू हैव टू सिट, बटक पीछे लेके जाना है एंड यू हैव टू सिट। जब खड़े होंगे आप, जब स्टैंडिंग पोजीशन पे आएंगे, यू हैव टू प्रेस योर हील, हील प्रेस करना है और फिर खड़े होना है, बटक पीछे ले जाकर फिर बैठना है। कभी भी उठते समय टो के ऊपर प्रेशर डाल के ना उठे, टो के ऊपर प्रेशर डालने से आपकी अपर बॉडी बेंड हो जाती है, जहां पर आपका पूरा बैलेंस, स्टेबिलिटी आप मिस करते हो। सो हियर वी गो, 10 काउंट्स वी हैव टू परफॉर्म, स्टैंड एंड सिट। खड़े होते समय यू हैव टू प्रेस योर हील। ओके, यस, योर लेग शुड बी हिप विड्थ अपार्ट। यस, कम ऑन, 1, प्रेस योर हील, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कम ऑन, 8, 9, 10, यस। चेयर से फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो परफॉर्म करेंगे वो है हाई नीज, 20 काउंट्स, स्लो, नॉट जंप, जंप नहीं करना है आपको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, done. Wow. हाई नीज, जब हम एक पैर उठाते हैं हमारा बैलेंस दूसरे पैर पे, आपका पूरे बॉडी का वेट आप शिफ्ट करते हो दूसरे पैर पे. ओके, ऑल्टरनेट. इसलिए जंप नहीं किया है हमने, सिर्फ नॉर्मल हाई नीज किया है. नहीं भी आपको लिफ्ट करनी है अपनी चेस्ट लेवल. ओके, रिलैक्स. यस, बाकी की जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो हमें फ्लोर पे लेट के करना है, सुपाइन पोजिशन पे. सो हियर वी गो. थर्ड एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, हील टैप. लाई डाउन ऑन योर बैक, बेंड योर नी, टाइटन योर कोर, हील टैप. टोटल 20 काउंट्स. 1, 2, 3, 4, 5. नेक शुड बी न्यूट्रल. नेक पे ज्यादा जर्क नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं देना है. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and done. Relax. Fourth exercise जो हम perform करने जा रहे हैं वो है straight leg raises. Straight leg हमको raise करना है, lift करना है. Total 12 counts. Keep your hands, keep your palm beside your hip. Yes. 12 counts. Your lower back should be properly supported. Yes. 1, 2. बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है. 3, 4. Toe should be outside. 6, 7, 8, 9, 10. Two more and done. Come back. Relax. Fifth exercise जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है scissor kick. 12 counts. 12 counts परफॉर्म करना है हमें. हर एक एक्सरसाइज हमें 3 sets परफॉर्म करना है और हर एक्सरसाइज के बाद आपको 30 सेकेंड का रेस्ट लेना है. सो here we go. We are going to perform fifth exercise, scissor kick. Lie down with proper support. Your back should be proper supported. Yes. Lift your leg 6 to 8 inches off the floor. You have to lift your leg and scissor. 2, 3, 4. Done. Relax. Sixth और लास्ट एक्सरसाइज जो आज की हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो रोल अप्स है. बहुत स्लोली परफॉर्म करना है. टोटल 10 काउंट्स. कम ऑन, लाई डाउन, सुपाइन पोजीशन. योर फीट शुड बी हिप विड्थ अपार्ट, हाथों को ऊपर की तरफ. एंड हियर वी गो, रोल अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and done. Relax. ये थे हमारे 6 exercises जो आपकी core को strengthen करेंगे, आपके बैक को स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी बैलेंस को इंप्रूव करेंगे. सो ये एक्सरसाइजेस एटलीस्ट आपको थ्राइस परफॉर्म करना है वीक में. 3 बार परफॉर्म कीजिए. रेगुलर परफॉर्म नहीं करेंगे, कोर को, एब्स को कभी भी रेगुलर परफॉर्म नहीं करना है. उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, तो गिव देम प्रॉपर रेस्ट. ओके, ये एक्सरसाइजेस जो थे अपर एब्स, लोअर एब्स, कंप्लीट कोर के लिए थे. और आपके बैलेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा. कोर को ऐसे ही नहीं पावर हाउस कहा गया है, वो पूरी बॉडी को आपके कंट्रोल करता है. इट्स लाइक थ्रेड, इट्स लाइक पपेट. हम पपेट की तरह हैं, हमको नचाता हमारा कोर है. ठीक है, तो उस डोर को मजबूत रखने के लिए आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है.
आज के लिए बस इतना ही, कल मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय।